दुनिया के बहुत सारे देश नेपाल के ऊपर हंसने वाले थे, नेपाल का मजाक उड़ाने वाले थे कि नेपाल ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़ी कड़ी मेहनत के बाद नेपाली इंजीनियरों ने ये काम करके दिखाया। और सबके जो लोग हंस रहे थे, जो विदेशी लोग हंस रहे थे, उनके मुंह बंद हो गए। अब नेपाल अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है इस काम को करने के लिए, और अब नेपाल अपने दम पर भी यह काम कर सकता है। जानिए पूरी डिटेल। नमस्कार, वीडियो चालू करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि नेपाल में एक न्यूज चल रही है कि नेपाल एयरलाइंस का निजीकरण या प्राइवेटीकरण किया जाएगा। ये न्यूज जो है ये पूरी तरीके से गलत है। नेपाल सरकार ने अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं है कि हम नेपाल एयरलाइंस का प्राइवेटीकरण करें। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, नेपाल में अपर तामाकोशी जो चालू हुआ उसकी खुशियां नेपाली लोगों में नजर नहीं आई। हमने देखा कि नेपाल में इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, जबकि दोस्तों इसका बहुत ज्यादा जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि ये नेपाल का राष्ट्रीय गौरव था। क्यों और कैसे समझिए। सबसे पहले बात यह है कि अपर तामाकोशी चालू करने के बाद नेपाल एक ऐसा देश अब बन चुका है जिसे किसी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में या पानी से बिजली जो निकालते हैं उसके संबंध में किसी भी देश से सहायता की आवश्यकता अब बिल्कुल नहीं है। यानी अब ये काम नेपाल केवल अपने दम पर कर सकता है। किसी भी देश यानी भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस जो भी हैं, इन देशों की सहायता लेने की जरूरत नेपाल को अब बिल्कुल नहीं है। यह काम अब नेपाल अपने दम पर कर सकता है। यानी नेपाल सरकार इन्वेस्ट करेगी, पैसा खर्चा करेगी, तो नेपाल के आदमी ही बड़े से बड़े बांध बना लेंगे और बिजली उत्पादन करना चालू कर देंगे। इतनी क्षमता अब नेपाली लोगों के पास में आ गई है। अपर तामाकोशी चालू होने से पहले ये क्षमता नहीं थी, लेकिन अपर तामाकोशी जब चालू किया तो नेपाली इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया कि हम अपने बल पर भी किसी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट को चालू कर सकते हैं। यह जो अपर कोसी जो तामाकोशी अपर तामाकोशी जो है ये चालू हुआ तो नेपाली लोगों में खुशियां नजर नहीं आई। दोस्तों, ये नेपाल ने अपने दम पर चालू किया है और ये 456 मेगावाट लाइट पैदा करेगा। इसके बारे में हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। और ये सालाना कमाएगा 10 अरब रुपए। ये नेपाल का राष्ट्रीय गौरव क्यों बना हुआ था? देखिए, इस प्रोजेक्ट को 5 साल या 6 साल में पूरा होना था, लेकिन इसको लग गए पूरे 12 साल। तो नेपाल के बहुत सारे विश्लेषकों ने यह जताया कि नेपाली इंजीनियरों में यह क्षमता नहीं है, इसलिए इनके ये प्रोजेक्ट जो है बहुत स्लो काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसका धीमापन ये स्लो क्यों हुआ था? क्या हुआ था कि जो पहले डिजाइनिंग किया गया था, जब थोड़ा काम हो गया अपर तामाकोशी का, तो वो पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ गया कि अब इस तरीके से ये डैम बनाया जाएगा। फिर क्या हुआ, सुरंग का जो डिजाइन बनाया गया था वो भी चेंज करना पड़ गया। फिर क्या हुआ, भूकंप भी नेपाल में आ गई, फिर वो भी चेंज करना पड़ गया। और इसकी शुरुआती जो लागत थी वो 35 अरब रुपए थी, लेकिन ये बनते बनते 80 अरब रुपए पहुंच गया। यानी ये नेपाल के लिए एक स्वाभिमान का विषय बन गया था, क्योंकि नेपाली इंजीनियर अपने बल पर इसको बना रहे थे। आप खुद ही सोचें, जब कोई आदमी किसी काम को पहली बार करेगा तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी, तो नेपाली इंजीनियरों को काफी दिक्कतें आई इसमें, ठीक है। और नेपाल के विश्लेषक ही कहने लगे कि हमारे देश के इंजीनियरों का बस का नहीं है। लेकिन आखिर में 50 प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए नेपाल के इंजीनियरों ने, जिनमें खास करके MD जो थे कुलमान घिसिंग जैसे लोगों के नेतृत्व में, ये डैम लगभग सफल हुआ और हो चुका है। नेपाल के लोग नहीं समझ रहे, ये नेपालियों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि वहां के इंजीनियरों ने अपने बल पर अपने दम पर इस डैम को बनाया है। और ये 556 मेगावाट की क्षमता वाला डैम, यानी बड़ा डैम ही इसे कह सकते हैं।
तो अब ये डैम बनाकर यहां से बिजली का उत्पादन करके नेपाली इंजीनियरों ने ये साबित कर दिया कि भविष्य में ये बड़े से बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उनको बना सकते हैं, बड़े से बड़े डैम बना सकते हैं और वहां से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अपर तामा कोसी बना के क्या सिद्ध किया नेपाली इंजीनियरों ने कि अब हम बड़े से बड़ा डैम बना सकते हैं और उसमें बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतया स्वदेशी है। हम क्यों कह रहे हैं कि नेपालियों में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया गया इस डैम को लेके? दोस्तों, ये जो डैम है ये नेपाल के स्वाभिमान का विषय बना हुआ था। शायद नेपाल के कम ही लोग इस बारे में जानते हैं कि ये नेपाल के लिए एक बहुत बड़े स्वाभिमान का विषय बन गया था। यदि ये डैम पूरा नहीं हो पाता, बिजली उत्पादन नहीं कर पाता, तो नेपाल के इंजीनियरों पे शक होता लोगों की को कि ये इंजीनियर कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। और नहीं बना पाते तो दुनिया के और जो देश हैं वहां के इंजीनियर लोग मजाक उड़ाते हैं आपके देश का कि देखो अपने बल पर चालू करने गए थे तो नहीं कर पाए, तो करके दिखाया तो सबके मुंह बंद हो गए।